सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। इस कहानी के लेखक है संजय कामले। रात के अंधेरे में शहर की चकाचौंध भरी आवाजाही से वो बाइक निकल रहा था। कल दिवाली होने की वजह से लोग की भीड़ खरीदारी करने निकली थी। लोगों ने अपने घरों के बाहर छोटे छोटे दीपक जलाए थे, पर चारों ओर फैले उस खुशी के माहौल से वो दिल में दर्द लेकर सब कुछ पीछे छोड़ते हुए जा रहा था। उसकी तेज रफ्तार मोटरसाइकिल अब गहरे अंधेरे से गुजरने वाली उस सुनसान सड़क पर चलने लगी। मोटरसाइकिल के हेडलाइट की रोशनी रात के घोप अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। शहर काफी पीछे छूट गया था। बाइक पर बैठा वो लड़का कुछ मायूस लग रहा था। शायद कोई बात थी जो उसे मन ही मन खाए जा रही थी। उसकी पीठ पर एक बैग लदी हुई थी। मोटरसाइकिल के तेजी से घूमने वाले पहियों की तरह उसके दिमाग में भी कहीं ऐसे ख्याल घूमते हुए उसे तकलीफ दे रहे थे। बीती उन घटनाओं का उसके दिल पर काफी गहरा असर हुआ था। अपने घर में बेड पर बेहोश पड़ी अंकिता को देखकर डॉक्टर ने कहा, देखिए उसके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, फिर भी उसकी तकलीफ कम नहीं हो रही है। उसके पेट में जानलेवा दर्द हो रहा है, मतलब ऐसा उसका कहना है। उसे अस्पताल में भर्ती कराना होगा ताकि हम जान सके कि उसे हो क्या रहा है, या कोई दिमागी बीमारी है। डॉक्टर की बात सुनकर माँ बाप की तरह अंकिता के बेड के पास खड़ा वो भी परेशान हो गया। गाड़ी की रफ्तार जरा भी कम किए बगैर वो उस खाली पड़ी सुनसान सड़क से गुजरने लगा। उसकी आंखें नम हो गई थी। अपनी केबिन के अंदर कुर्सी पर बैठे डॉक्टर साहब ने सामने बैठे माँ बाप से कहा, हमने हर मुमकिन कोशिश करके देख लिया है, पर नतीजा आपके सामने है। डॉक्टर की तरफ देखकर माँ ने पूछा, आपने कहा था कि उसे अस्पताल में भर्ती करने के बाद कुछ पता चलेगा, पर उसकी हालत दिनों दिन बद से बदतर होती जा रही है। मेरे ख्याल से अंकिता को पागलखाने भेजना पड़ेगा। अंधेरे को चीरती उसकी तेज रफ्तार मोटरसाइकिल की रोशनी में सुनसान और भयावह नजर आने वाली सड़क पर टिकी उसकी आंखें नम हो गई थी। उसके दिमाग में डॉक्टर की वह बात किसी कील की तरह चुभ रही थी। अंकिता को पागल खाने भेजना पड़ेगा, वो पूरी तरीके से पागल हो चुकी है, एक पागल। उन दिल को चीर देने वाले नुकीले शब्दों ने उसके दिमाग में जैसे कोहराम मचा दिया था। मेंटल हॉस्पिटल के कमरे में एक बेड से बंधी अंकिता का चीखना, चिल्लाना, रोना, बिलखना, दर्द से तड़पना, अपने चेहरों को नाखूनों से खरोच कर खून निकालकर जोर जोर से हंसना सब दिमाग को जैसे कुरेद रहा था। काली सड़क पर वो अपनी बाइक के साथ घसीटते हुए कुछ दूरी पर जा रुका और सब कुछ शांत हो गया। कुछ पल वो वैसे ही जमीन पर पड़ा रहा। जमीन पर पड़े उसे अपने बचपन की वो घटना याद आ गई। माँ देखो भैया साइकिल से गिर गए। घर के आंगन में साइकिल से गिरे भाई को उठाने के लिए अंकिता दौड़ती हुई उसके पास गई। उसके हाथ पर थोड़ी सी खरोच आई थी, पर उस जख्म को सहलाते हुए अंकिता खुद ही रोने लगी। अरे पागल, चोट मेरे हाथ पर लगी है और दर्द तुम्हें हो रहा है। पर बिना कुछ बोले जमीन पर गिरे अपने भाई को संभालते हुए वो घर के अंदर ले आई। अपने भाई के लिए उसका प्यार देखकर माँ का दिल भी भर आया। उस दिन अंकिता की नम आंखें अभी भी उसकी नजरों के सामने से हट नहीं रही थी। गाड़ी से गिरने की वजह से उसके जिस्म में काफी चोटें आई थी, खून निकल रहा था, दर्द हो रहा था, पर उसे संभालने के लिए आज उसकी बहन साथ नहीं थी। खुद को संभालते हुए वो खड़ा हो गया और उसने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। जैसे तैसे वो खड़ा हो गया और उसे कुछ याद आ गया। मेरी बैग। उसने जमीन पर चारों ओर नजरें घुमाकर देखा तो बैग सड़क के किनारे पड़ी थी और वहीं पास में अस्थियों का कलश। अस्थियों का कलश देखते ही उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे और डॉक्टर की बात याद आ गई। उसकी हालत देखकर हमने उसे शॉक ट्रीटमेंट देने का फैसला किया है। उस पर माँ ने पूछा, मेरी बेटी काफी कमजोर हो चुकी है, आपके शॉक ट्रीटमेंट के बाद क्या वो जिंदा रह पाएगी? अपने आंसू पोंछकर उसने अस्थियों का कलश उठाया और बैग में रखकर दोबारा पीठ पर लाद दिया।
जमीन पर पड़ी बाइक उठाकर दोबारा बाइक शुरू करने लगा, पर वो शुरू नहीं हो रही थी। वह किक मारने लगा पर गाड़ी शुरू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। क्या हुआ? देखो ना भैया, मेरी एक्टिवा स्टार्ट नहीं हो रही है। अंकिता लगातार स्टार्टर लगा रही थी। उसकी सहेली प्रिया और अंकिता दोनों फिल्म देखने जा रही थी। अपनी बहन के सिर पर हाथ रखते हुए उसने कहा, अरे पापा की परी, कभी इस माँ के मगरमच्छ का भी सुन लिया कर, कंपनी ने इस गाड़ी में किक भी दिया है। तभी पीछे खड़े पापा ने जरा गुस्से वाली आवाज में कहा, तुम्हारी वजह से मैं इसे जाने की इजाजत दे रहा हूँ, पर रात होने से पहले इसे घर आना होगा वरना। पापा की तरफ देखते हुए उसने कहा, पापा अब वो छोटी बच्ची थोड़ी है, उसे भी अपनी जिंदगी जीने का हक है, कब तक हम उस पर अपने विचार थोपेंगे। लेकिन बाहर की दुनिया देख रहे हो ना, आजकल क्या क्या कानों पर पड़ रहा है, लोग किस हद तक जा रहे हैं, कितना खतरा है। पापा ये दुनिया हम लोगों से ही बनती है, जो लड़की मेरे लिए बहन है किसी के लिए सिर्फ एक लड़की है, तो किसी के लिए एक खूबसूरत जिस्म। सच कहूँ तो उन लोगों का डर उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन को कोई डरपोक कहे। गाड़ी शुरू हो गई, हेडलाइट शुरू करके वो दोबारा उस सुनसान सड़क पर उसी स्पीड से चलने लगा। काफी खुशहाल और अच्छी फैमिली थी उसकी, माँ बाप और एक छोटी बहन जो मेडिकल कॉलेज के लास्ट ईयर में पढ़ रही थी, तो वो भी पढ़ाई पूरी करके मैकेनिक का काम सीख रहा था। ऐसे ही एक रात वो काम पर था, काम ज्यादा होने के कारण पिछले कई दिनों से उसे घर जाने में देर होती थी। रात के करीब 10 बजे होंगे, तभी उसके मोबाइल की रिंग हुई। उसने फोन उठाया तो उसकी माँ की कांपती हुई आवाज कानों पर पड़ी, बेटा जल्दी घर आ जाओ अंकिता। माँ की आवाज उसके दिल को चीरती हुई निकल गई। उसने झट से अपनी बाइक निकाली और घर के लिए निकला। मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। कुछ ही देर में वो घर पहुंचा, दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। अंकिता सोफे पर बेहोश पड़ी थी, माँ उसके पास बैठे डर से कांप रही थी और पापा उसके फैमिली डॉक्टर से बात कर रहे थे। देखिए मैंने इसे इंजेक्शन दिया है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो मुझे फोन कर देना। इतना कहकर वे चले गए। उसने अपनी बहन के सिरहाने बैठी डरी सहमी अपनी माँ से पूछा, माँ क्या बात है? माँ कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। पास खड़े पापा ने कहा, कोई घबराने वाली बात नहीं, उसे अचानक चक्कर सा आ गया था। माँ ने पापा की ओर हैरानी से देखा, शायद बात कुछ और थी। उसकी नजर कमरे के बाहर फर्श पर दुबक कर बैठी उनकी पालतू बिल्ली पर गई। वह काली बिल्ली बेहोश पड़ी अंकिता को लगातार घूरे जा रही थी। रात के करीब 2 बजने को थे, अपनी बहन की हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। उसके दिल में बुरे ख्यालों ने घर कर लिया था। आंखें बंद करके वो बेड पर पड़ा रहा कि तभी किसी के सिसकियों की आवाज कानों पर पड़ी और डर के कारण मानो उसके दिल की धड़कन ही रुक गई। उसने लाइट लगाई और अंकिता के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। उसने दरवाजा खोला, पर दरवाजा तो खुला ही था। दरवाजे से अंदर झांक कर देखा तो अंदर गहरा अंधेरा फैला हुआ था, लेकिन अब वो आवाज आनी बंद हो गई थी। उसने लाइट का बटन ऑन किया और पूरे कमरे में नजरें घुमाकर देखा। एक गहरा सन्नाटा चारों ओर पसरा हुआ था और अंकिता वह कमरे के कोने में खड़ी दीवार को अपने नाखूनों से कुरेद रही थी। कमर तक लंबे उसके खुले बाल बिल्कुल बेजान नजर आ रहे थे। अपने बेटे की आवाज सुनकर उसके माँ बाप भी कमरे के बाहर आकर खड़े हो गए थे। अंकिता अभी भी रोते हुए सिसकियां ले रही थी। खुद को संभालते हुए उसने अपनी बहन को आवाज दी, अंकिता क्या हुआ? पर वो बिना जवाब दिए उसी तरह दीवार को नाखूनों से कुरेद रही थी। वह एक एक कदम बढ़ाते हुए अंकिता के पास पहुंच गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, अंकिता क्या हुआ, रो क्यों रही हो? अपने भाई की आवाज सुनकर अंकिता ने नम आंखों से मुड़कर देखा। उसके मुंह पर खून लगा था, आंखों के नीचे बने काले घेरे, सूखा चेहरा, बेजान बिखरे बाल। उसकी हालत देखकर लग रहा था जैसे वो कई महीनों से किसी जर्जर बीमारी से जूझ रही है। और रोते हुए अपने भाई के आगे हाथ जोड़कर बोली, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं मरना नहीं चाहती। इतना कहकर वो एकदम से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके हाथ की उंगलियों को उसने अपने दांतों से काटकर खून निकाला था। तभी दीवार पर नजर गई और वो सन्ना रह गया। उस पर खून से लिखा था, मुझे बचा लो।
ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।